बेबी बॉय प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर कौन से साइड में रहता है, राइट या लेफ्ट? बाकी मुझे काफी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें मुझे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल की एक लोकेशन बताइए कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल कौन सी लोकेशन में रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट के अंदर बेबी बॉय किस साइड रहता है और कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे गर्भ में होने वाला शिशु बेटा है या बेटी है, या हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे की मूवमेंट ज़्यादातर किस साइड को हो रही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम नीलम है, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुड़ी मॉम बेबी केयर में। चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दीजिए। प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स हमारा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड होता है उस टाइम तक बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसमें बच्चे की लोकेशन का इतना पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपको बच्चे की मूवमेंट पेट के पूरे हिस्से में फील होने लगती है, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे का पूरा घर गर्भ होता है, बच्चे की जगह वो है, तो बच्चा पूरे गर्भ में मूवमेंट करता है। लेकिन आप ध्यान दें, आपको बच्चे की मूवमेंट ज़्यादातर राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में महसूस होगी, बच्चे की किक, ठीक है? वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा अपना कंफर्टेबल लेवल देखता है, जिस साइड को बच्चे को कंफर्टेबल फील होता है बच्चा उस साइड को रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। आप अपने आप को ले लीजिए, जैसे आपको बैठना, लेटना या सोना अच्छा लगेगा आप वैसा ही करते हो, तो वैसा ही गर्भ में बच्चा करता है, क्योंकि गर्भ बच्चे के लिए एक घर है। बच्चे की पोजीशन आपको 16 से लेकर 24वें सप्ताह के बाद कभी भी महसूस हो सकती है, और राइट या लेफ्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, पूरे गर्भ में आपको फील होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी उसके बाद, जैसे कि आपका 6th, 7th और 8th मंथ आता है, तब आपको ज़्यादातर बच्चे की जो मूवमेंट है पर्टिकुलर एक एरिया में फील होती है ज़्यादातर। अब ओल्ड वाइव टेल्स का मानना है कि अगर आपके गर्भ में पलने वाला शिशु ज़्यादातर राइट हैंड साइड को मूवमेंट करता है, उसकी किक ज़्यादातर वहाँ फील होती है, तो गर्भ में बेटा है। वहीं अगर लेफ्ट हैंड साइड को फील होती है तो बेटी है, और अगर राइट हैंड साइड में आपका बच्चा ज़्यादातर रहता है तो आपका राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है वो ज़्यादा आपको भारी लगेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड का आपको ज़्यादा भारी लगता है। तो उनका मानना ये होता है, इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए वो एक्सपीरियंस्ड लेडीज़ होती थी इसलिए उनकी कही हुई बातों में उस टाइम में सच्चाई होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी एक्सपीरियंस लेडी आपको नहीं मिलेगी जो आपको प्रेडिक्ट कर सके कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु क्या है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपना कंफर्टेबल लेवल देखकर पेट के एक दिशा में नहीं चारों दिशाओं में घूमता है, लेकिन ज़्यादातर आपको बच्चे की मूवमेंट राइट, लेफ्ट या बीच में फील होती है, तो इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। बच्चे का जेंडर हम बिल्कुल बच्चे की पोजीशन से, राइट या लेफ्ट से नहीं पता कर सकते। आप इन बातों में ना आए, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस लेडी या डॉक्टर आपको बताते हैं, वैसे तो इंडिया में ये सब इलीगल है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं तो वहाँ पे ये लीगल है, ठीक है? वहाँ पर अगर आपको पता चलता है तो आप खुद से गैस कर सकते हैं कि भाई हाँ, मुझे डॉक्टर ने बेटा बताया है, मुझे राइट हैंड साइड को बच्चे की मूवमेंट फील होती है, तो ये सच हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक आधार नहीं है कि राइट और लेफ्ट से हम बच्चे का जेंडर पता कर सके। तो मुझे सिर्फ आपके साथ यही बात शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।